एक समय था जब बॉलीवुड के सबसे फेमस और खूबसूरत कपल कहलाए जाते थे ऐश्वर्या राय और सलमान खान। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया था कि सलमान खान ऐश्वर्या राय के लिए ही सोमी के साथ अपना रिश्ता तोड़े थे, लेकिन बाद में दोनों की राहें अलग हो गई और ऐश्वर्या ने अपना घर अभिषेक बच्चन के साथ बसा लिया। ऐश्वर्या और अभिषेक की तस्वीरों और वीडियो ने हमेशा साबित किया कि वे एक परिवार के रूप में कितने खुश दिखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके बीच कई मुद्दे के बारे में सुनने में आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह कपल तलाक ले रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ रहती है, ना कि बच्चन परिवार के साथ। हालांकि इसके बाद अभिषेक ने साफ कर दिया है कि वे अभी भी शादीशुदा हैं। यहां तक कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अभी हाल ही में पेरिस फैशन वीक के लिए रवाना होने से पहले अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए नजर आई। हालांकि इसके बाद भी तलाक की अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ भाई, अब इसी के साथ आपको मैं भी बताते चले कि मामला दिन प्रतिदिन तुल पकड़ता ही नजर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल इस मामले ने तब जाकर और तुल पकड़ा था जब मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी अकेले अपने परिवार के बगैर शादी में एंट्री की थी, और वहीं अनंत की शादी में बच्चन परिवार एक साथ एंट्री किया था बगैर ऐश्वर्या और उनकी बेटी के। बहरहाल अब इसी के साथ आपको हम ये भी बताते चले कि एक तस्वीर काफी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चन परिवार की बेटी आराध्या बच्चन सलमान खान से मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं आपको हम बताते चले कि इस तस्वीर ने काफी ज्यादा तहलका मचाकर सोशल मीडिया पर रख दिया है। इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या सिकंदर की शूटिंग के दौरान सलमान खान से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को लेकर काफी चर्चा हो रही है और लोग इस मुलाकात के बारे में तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि ये तस्वीर फर्जी है। जी हाँ, इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आराध्या की तस्वीरों को एडिट करके भारतीय बॉक्सर निखत जरीन के चेहरे चिपका दिया गया है। इन वायरल तस्वीरों में आराध्या का चेहरा जरीन के चेहरे पर लगाया गया है। वहीं इस तस्वीर को देख अभिषेक और ऐश्वर्या के फैन काफी ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन जब इस तस्वीर की सच्चाई सामने आई तब जाकर फैंस को सुकून मिला। बहरहाल ये सब फर्जी बातें हैं जो इंटरनेट पर वायरल होती रहती है। अब इसी के साथ आपको मैं भी बताते चले कि सलमान खान सिकंदर में रश्मिका मंदाना के साथ नजर आने वाले हैं। यह फिल्म साल 2025 में रिलीज होगी। वहीं अब अभिषेक और ऐश्वर्या की बात करें तो उन्हें कई इवेंट्स में एक साथ नहीं देखा गया है और इसीलिए लोगों को भी अब यही लग रहा है कि वे तलाक ले रहे हैं। इस बारे में दोनों के परिवार या फिर यूं कहा जाए जोड़ी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। अब देखना होगा कि क्या सच में अभिषेक और ऐश्वर्या राय तलाक ले रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है।